अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, हमने पेपर शुरू किया था तहसीलदार और नायब तहसीलदार का, जो कि 2018 में हो चुका है, रेवेन्यू एंड उशर डिपार्टमेंट के लिए। आज इसका हिस्सा सोम यानी तीसरी वीडियो है। इससे कबल मैं इसी पेपर के हवाले से दो वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ। इन वीडियोज़ का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन पर क्लिक कर ले, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। साथ में एक बेल का आइकन बनेगा, उस पर क्लिक कर ले और नोटिफिकेशन के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें, ताकि इस तरह की नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। तो दोस्तों, हिस्सा सोम के अंदर हम 41 से लेकर 70 तक MCQs को सॉल्व करेंगे, और ये तमाम MCQs जनरल नॉलेज और पाकिस्तान अफेयर्स यानी हिस्ट्री से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 41, विच इज़ द हाईएस्ट बैटल ग्राउंड ऑन अर्थ। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, सियाचिन ग्लेशियर इज नोन एज द हाईएस्ट बैटल ग्राउंड ऑन द अर्थ। और दोस्तों, ये 5400 मीटर की बुलंदी पर मौजूद है सियाचिन ग्लेशियर। यहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर यानी LOC ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और ये सियाचिन ग्लेशियर कराकरम रेंज में हिमालय पहाड़ों पर है, ठीक हो गया। 42, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा आइन जो कि तहरीर करदा ना हो। तो इनमें से किन मुल्कों का ऐसा आइन है जो कि लिखा गया नहीं है, लिखित सूरत में नहीं है। सो ऑल ऑफ दीज, दोस्तों 6 ऐसे ममालिक हैं जिनका आइन तहरीरी शक्ल में मौजूद नहीं है। उनमें शामिल हैं इसराइल, सऊदी अरेबिया, न्यूजीलैंड, ओमान, UK और लीबिया। सो दिए गए ऑप्शन में जो 3 कंट्रीज़ हैं, इन तीनों का तहरीरी शक्ल में आइन मौजूद नहीं है। 43, विच इज़ द लार्जेस्ट पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, हमास। ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब है, हमास। दोस्तों, ये हमास 1987 में बनी थी फलस्तीन के शहर गजा में। 44, दी हिस्टोरिक गार्डन शालीमार ऑफ लाहौर वाज बिल्ड बाय, दोस्तों शालीमार बाग शाहजहां ने बनवाया था। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। 45, इन अमेरिकन हिस्ट्री नेम द ओनली प्रेसिडेंट हु गेव रिजाइन। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन सी रिचर्ड निक्सन, इन्होंने रिज़ाइन किया था। और ये अमेरिका के 37वें प्रेसिडेंट थे, जो कि 1942 से लेकर 1946 तक रहे, और 1946 में इसने इस्तीफ़ा दे दिया। 46, द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी वाज, ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। तुगलक डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो गयासुद्दीन तुगलक थे, ओके। 47, द साउथ अफ्रीका एक्टिविस्ट वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर पीस इन 1993 वाज नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला ऑप्शन बी, इनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया था 1993 में, और ये साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, और इन्होंने 27 साल जेल में भी गुजारे हैं। 48, द फाउंडर ऑफ USA डेमोक्रेटिक पार्टी वाज, सो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए थॉमस जेफरसन। थॉमस जेफरसन USA डेमोक्रेटिक पार्टी के फाउंडर थे। नेक्स्ट है जी, द फाउंडर ऑफ USA रिपब्लिकन पार्टी वाज ऑप्शन डी डिक्सेंडर हैमिल्टन, ओके। 50 है, विच कंट्री सफर्ड द मैक्सिमम इन वर्ल्ड वॉर 2, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ था वो किस कंट्री का हुआ था जी, सोवियत यूनियन में सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी यानी हलाकतें हुई थी, तकरीबन 20 मिलियन हलाकतें हुई थी, और ये सोवियत यूनियन रशिया के अंदर है। सो करेक्ट आंसर इसका रशिया बनता है, ऑप्शन डी। और दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 1 सितंबर 1939 से लेकर 2 सितंबर 1945 तक हुई थी। 51 है जी, द ट्रीटी ऑफ वर्सलीज एंडेड द वॉर, द ट्रीटी ऑफ वर्सलीज एंडेड द वॉर, ऑप्शन ए वर्ल्ड वॉर 1। 52,
कैपिटल ऑफ साइप्रस इज, साइप्रस का कैपिटल निकोसिया। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है, निकोसिया इज द कैपिटल ऑफ साइप्रस। 53, नेल्सन मंडेला वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ, जी इसका जिक्र पहले भी कर चुका हूँ, साउथ अफ्रीका का ये प्रेजिडेंट रह चुका है नेल्सन मंडेला, और इसको 1993 में नोबल प्राइज से भी नवाजा गया। 54, दी बोल्शविक रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद रशिया। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। 55 है जी, विच इज द ब्राइटेस्ट प्लानट इन दी सोलर सिस्टम, सबसे जो चमकदार सितारा है वो वीनस है। ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब है। 56 है जी, हु वॉज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी। सो इसका जो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, जनरल फ्रैंक मेजरवी। ये पाकिस्तान बना था तो पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे पाकिस्तान के। 57, हु वॉज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, सर जफर उल्ला खान। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है, ये पहले वजीरे खारिजा थे। ठीक हो गया, और इसके बाद नेक्स्ट जी, खैबर पख्तूनख्वा बिकेम फुल फ्लेज प्रोवेंस अंडर द गवर्नमेंट इंडिया एक्ट ऑफ 1935। गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 के तहत खैबर पख्तूनख्वा को पूरी तौर पर एक सूबा बना दिया गया। ठीक हो गया, साइमन कमीशन रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड इन, साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब पब्लिश हुई जी, 1930 में हुई। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है, और ये साइमन कमीशन कब बना था जी, ये 1927 में ये बना था। नेक्स्ट है जी 60, व्हेन कांग्रेस मिनिस्टर रिजाइंड, सो 1939 में कांग्रेस के मिनिस्टर ने रिजाइन किया था। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। 61 है जी, क्रिप्स मिशन अराइव्ड इन इंडिया इन 1942। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है, 1942 में क्रिप्स मिशन इंडिया आया था। 62 है जी, हु ऑर्गेनाइज दी शिमला कॉन्फ्रेंस इन 1945। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, करेक्ट आंसर लॉर्ड वेवल। 63 है जी, विच पास कनेक्ट्स क्वेटा विद चमन एंड अफगानिस्तान। ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है, खोजक पास। खोजक पास क्वेटा को चमन और अफगानिस्तान के साथ कनेक्ट करता है। 64, बिफोर द पार्टीशन इन 1947 इंडिया वाज कंप्राइज्ड ऑफ, दोस्तों इंडिया के 17 सूबे थे, 17 बिफोर पार्टीशन, सो यहाँ पर कोई ऑप्शन इनमें से नहीं है। 65, द मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस वॉज इन्फोर्स्ड इन 1961। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 66, वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, बहुत आसान है जी, सराग़ा खान, और ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 को कायम हुई थी, बनी थी। सो 67 है जी, पाकिस्तान कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट ऑन 28 मई 1998 एट चौगी हिल्स। 68, डैश वॉज द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, दूसरे प्राइम मिनिस्टर ख्वाजा नाजिमुद्दीन थे। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है, और पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान थे। 69 है जी, फर्स्ट चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट इज खुतबा हिज्जतुल विदा। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है, ये पहला मंशूर था। क्वेश्चन नंबर 70 और आखिरी क्वेश्चन आज की वीडियो का, थल डिजर्ट इज लोकेटेड इन, थल का जो सहरा है दोस्तों वो पंजाब में वाक़ है। ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब है। सो दोस्तों बाकी क्वेश्चन को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और इस पेपर को ख़त्म कर देंगे। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्वेश्चन की समझ आ रही होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।